फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बाला। वेलकम बैक टू माय चैनल बाला स्पेशल। बहुत दिन हो गया। लास्ट टाइम मैंने 2.5K का वीडियो डाला था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाला है। बहुत लेजी हो गई, वीडियो शूट नहीं करती हूँ तो आज सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं। 10 दिन हो गया है। जैसे बोला है साउथ इंडियन हूँ तो राइस वैरायटी बहुत बनती है हमारे यहाँ, तो आज मैं लेमन राइस बना रही थी। कई लोगों ने मुझसे पूछा है लेमन राइस, लेमन का भी राइस बनता है क्या करके। हाँ, लेमन राइस बनता है और बहुत टेस्टी होता है। जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा, साउथ साइड गए होंगे खाया होगा तो पता होगा उनको। तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। यम्मी लेमन राइस। चलिए टेस्ट करके देखते हैं, हमारी यम्मी की लेमन राइस को टेस्ट करते हैं। मैंने इसको सर्व किया है इस पापड़ के साथ। इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, हमारे में इसको वडाम कहते हैं। ये कलरफुल आता है, मार्केट में मिल जाता है। इसके साथ सर्व कर रही हूँ। कलरफुल ऐसे आते हैं, गोल गोल अलग अलग शेप्स में आते हैं। इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पैकेट दिखा के ले आती हूँ। हमारे में वडाम कहते हैं, आपके में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो इसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज इसके साथ सर्व कर रही हूँ। तो टेस्ट करके देखते हैं हमारा लेमन राइस कैसा है, कैसा बना है, है ना। तो टेस्ट किया जाए। तो थोड़ा सा हम पापड़ भी ले लेते हैं। आप इसका नाम बताइएगा जरूर मेरे को। अब टेस्ट करते हैं। अच्छे बने हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाने में तो मजा आता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ये देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें राइस चाहिए। राइस अगर लेफ्ट ओवर राइस है तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी कुक किया है। 1 कप राइस को ठंडा करने के लिए रख दिया है। हमें चाहिए सरसों दाना 1 चम्मच और चने की दाल ये भी 1 चम्मच और कच्चा मूंगफली जो होता है ये क्रिस्पीनेस एक अच्छा क्रंचीनेस देगा लेमन राइस को। तो कच्चा मूंगफली ले लेंगे हम लोग थोड़ा सा। और मैंने हरी मिर्च और अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है धनिया गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास करी पत्ता है तो करी पत्ता यूज कर सकते हैं। मेरे को नहीं मिला क्योंकि सूख चुका है इस सीजन में ठंडी की वजह से, तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। और लेमन, मैंने 2 लेमन लिया है उसको हाफ करके रख लिया है। हल्दी पाउडर ये सिर्फ 1/4 टीस्पून चाहिए कलर के लिए और नमक स्वाद अनुसार। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ये सब घर पे ही अवेलेबल होते हैं इससे ये बन जाएगा। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल लेंगे करीब 2 चम्मच और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों दाना डाल देंगे करीब 1 चम्मच। और सरसों को फूटने देंगे। देखिए सरसों फूट रही है। तो हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और ये जो कच्चा मूंगफली है ये भी डाल देंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए मूंगफली और चने की दाल जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो इस टाइम पे हम लोग इस पे ये हरी मिर्च और जो अदरक का टुकड़ा हमने काट के रखा हुआ था उसको डाल के रोस्ट कर लेंगे। झटपट से बन जाता है। बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी आप रख के दे सकते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए, ये कलर के लिए है। और नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिएगा। और मिक्स कर लीजिए सबको और गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद इसमें जो नींबू रखा है ये निचोड़ लीजिए, इसका जूस
और इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। बस हो गया आपका। अगर करी पत्ता होता है तो हरी मिर्च और जिंजर डालते वक्त करी पत्ता भी डाल देना है। मेरे पास करी पत्ता नहीं है तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। अब राइस में राइस मिक्स कर देना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्टी है। आप लेफ्ट ओवर राइस से बना सकते हैं। रात का चावल बच जाता है, सुबह उठ के ये फटाफट बना के आप लंच पैक करके दे सकते हैं। ये मूंगफली अच्छा क्रंचीनेस देता है राइस में, क्योंकि और कुछ तो होता नहीं है, है नहीं इसमें, सब्जी वब्जी तो डलती नहीं है, तो ये मूंगफली अच्छा क्रंचीनेस देता है। जैसे मैंने बोला था, ये लेमन हमने जो हल्दी डाली थी पाउडर कलर के लिए है, नहीं तो व्हाइट दिखेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसीलिए हम हल्दी पाउडर डालते हैं इसमें। हमारा टेस्टी सा लेमन राइस रेडी है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे, तो देखिए मस्त रेडी हो गया है झटपट से, सिर्फ 5 मिनट में। सर्व कर लेते हैं। मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। तो वेरी टेस्टी यमी लेमन राइस हमारी रेडी हो गई है। तो हमारी यमी सी लेमन राइस रेडी है। ओ, बहुत ही यम्मी बना है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो बना के खा के एंजॉय कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा और कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।